हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में स्किन 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन के आज के सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और आपको बताएं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और उसके गुणधर्म है डायलूट सॉल्यूशंस का। तो सबसे पहले आपको बताएं कि यह फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन इट्स सॉलिड स्टेट और बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। मैंने बताया कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, या कहें कि फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो टेम्परेचर कहलाता है उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो आपको पता है कि जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है, और जो वेपर प्रेशर लो हो जाता है तो इस सॉल्यूशन में या इस सॉल्यूशन का जब हम टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज करते हैं तो एक स्टेट आती है कि फिर से इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वह कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि टेम्परेचर में ये डिक्रीज होती है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है या हिमांक का अवनमन कहलाती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा सा आपको दिखाएं, ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया है वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का है उसमें और कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में। तो इसमें तीन कर्व्स हैं, एक प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, दूसरा ये सॉल्यूशन के लिए, और तीसरा जो था ये सॉलिड सॉल्वेंट या फ्रोजन सॉल्वेंट के लिए। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लिक्विड सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं ऐसे तो उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर TF0 जिस जो रिप्रेजेंट किया गया है इस पर इसका वेपर प्रेशर, इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वह टेम्परेचर जो कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जब हम मान लेते हैं कि इसी टेम्परेचर पर हम एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर देते हैं
तो मान लीजिए इसी टेम्परेचर पर अगर ऐड किया तो वेपर प्रेशर, अब जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, लो हो गया। जब लो हो गया तो यह फ्रीज नहीं करेगा उस समय। अब क्या करना होगा, हम फर्दर टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज करते हैं, और जब डिक्रीज करते हैं तो एक स्टेज आती है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कर्व को इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा सॉल्यूशन का। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उसके उससे रिलेटेड जो टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा सॉल्यूशन का। तो देख रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो रही है। तो यही कमी जो होती है, यही जो डिक्रीज होती है, ये कहलाती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम मान लेते हैं थोड़ा सा लेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू टी एफ जीरो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू टी एफ देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ जीरो माइनस टी एफ। तो ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक्सपेरिमेंट से ये कन्फर्म हो चुका है कि किसी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है वह सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कह सकते हैं इसमें कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है यानी डेल्टा टी एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। मोलैलिटी एम क्या है, एम इक्वल्स टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आर अथवा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एफ इंटू मोलैलिटी। ये एक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं वेयर के एफ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल्स टू, मतलब इसी को कहते हैं हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो किसी भी लिक्विड के लिए के एफ जो होता है
एक कांस्टेंट है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब अगर हम बताएं कि अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी वन हो तो उस कंडीशन में डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ ऐसा हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि किसी लिक्विड का जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वह फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन के इक्वल होता है उस कंडीशन में जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी वन हो, यानी वन केजी सॉल्वेंट में वन मोल सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है वो डिजॉल्व हो, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि वन केजी सॉल्वेंट में वन मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करने पर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है वही कहलाता है उस सॉल्वेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो हुआ के एफ, अगर इसकी यूनिट मेंशन करें, यूनिट ऑफ के एफ अगर बताना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये मोलैलिटी की यूनिट मोल पर केजी और ये केल्विन में हो गया, तो ये यूनिट हो जाएगी इसकी केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। अब हमको पता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी जो मोलैलिटी है, या सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वह नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट से एक्सप्रेस होती है। तो अगर फार्मूला के रूप में हम मेंशन करें तो कह सकते हैं इसमें कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हम फाइंड आउट करें तो जो वैल्यू आ रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए वो हम लिख सकते हैं W2 अपॉन M2। ये W2 जो होता है वो वेट है सॉल्यूट का ग्राम में, और ये M2 जो होता है उसका मोलर मास है, अपॉन W1 और डिवाइडेड बाय 1000। ये इक्वल हो जाएगा 1000 इंटू डब्लू टू अपान डब्लू वन इंटू एम टू। ये मोलैलिटी की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को, ये जो मोलैलिटी की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर टू से रिप्रेजेंट कर दें, और इक्वेशन नंबर वन जो था आपको बताएं क्या था, डेल्टा इक्वेशन वन मैंने डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये इक्वेशन वन था हमारे लिए। तो इस वैल्यू को, एम की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस यहाँ पर, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा के एफ इंटू
1000 इंटू डब्लू टू अपान डब्लू वन इंटू एम टू, या इसको कह सकते हैं ये हो गया 1000 के एफ डब्लू टू अपान डब्लू वन एम टू, ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो गई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और अब इससे हम सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आर करके कह सकते हैं कि एम टू इक्वल्स टू, अगर एम टू निकालते हैं तो 1000 के एफ डब्लू टू अपान डब्लू वन इंटू डेल्टा टी एफ। तो ये जो इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन की सहायता से हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मोलर मास जो होता है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है। और एक चीज़ और यहाँ से क्लियर करें कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है ये मोलैलिटी पर डिपेंड कर रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स अगर डिफिनिट है तो उसमें पार्टिकल्स की नंबर भी डिफिनिट होगी। और हमने देखा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है वो इस तरह से पार्टिकल्स की नंबर पर डिपेंड कर रहा है, और पार्टिकल्स के नंबर पर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सॉल्यूशन की, स्पेशली डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस और उसके बाद से ऑस्मोटिक प्रेशर और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए, चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।